वहीं देश में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह विशेष दिवस भारतीय सेना के उन जाबाजों को समर्पित है जिन्होंने बेहद विषम परिस्थितियों में तमाम चुनौतियों को पार करते हुए 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल से खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर फिर से भारत का तिरंगा फहराया था। शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी में रिमझिम फुहारों के बीच गांधी पार्क स्थित शौर्य स्मारक पहुंचे और पुष्प चक्र अर्पित कर बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और उनके पराक्रम को याद किया। उनके साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज भारतीय सेना विश्व की सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय सेना को दुश्मन पर हमला करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, भारतीय सेना को फ्री हैंड छोड़ा गया है। इस शौर्य दिवस हमारी कारगिल विजय का दिवस है, हमारे आजाद भारत का ऐतिहासिक दिन है। इस दिन हमारी सेना ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे शहीदों ने अपने शौर्य पराक्रम और अपनी जाबाजी से संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया और विजय प्राप्त की। मैं उन सभी को नमन करता हूँ, सभी शहीद हुए सैनिकों का स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये दिवस हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये दिन हमेशा हमको इसका स्मरण कराएगा, हमारी नौजवान पीढ़ी को, आने वाले युवाओं को देशभक्ति का एक पाठ भी पढ़ाएगा, उनको प्रेरित करेगा देशभक्ति के लिए आगे बढ़ने।